नमस्कार, सच कहूं हिंदी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर। विश्व पर्यावरण दिवस पर कतर में डेरा श्रद्धालुओं ने किया पौधारोपण। दोहा गोल क्लब में 110 पौधे लगाकर नियमित संभाल करने का लिया प्रण। डेरा श्रद्धालुओं के इस कार्य की कतर के गणमान्य जनों ने की भरपूर प्रशंसा। चंडीगढ़ ब्लॉक की सात संगत द्वारा ब्लॉक स्तरीय नाम चर्चा का किया गया आयोजन। 157 मानवता भलाई कार्यों को गति देने का लिया संकल्प। नाम चर्चा के दौरान बढ़ते तापमान को देखते हुए डेरा श्रद्धालुओं ने लगाई ठंडे पानी की छबील। राहगीरों व वाहन चालकों की बुझाई प्यास। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे रेसलर बजरंग दिनेश और साक्षी नौकरी पर लौटे। एक दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह से की थी मुलाकात। साक्षी ने कहा, लड़ाई रहेगी जारी। अवधेश राय हत्याकांड में 32 साल बाद आया बड़ा फैसला। मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। देना होगा 1,00,000 रुपए जुर्माना। बता दे कि वाराणसी में घर के बाहर की थी कांग्रेस के पूर्व विधायक के भाई की हत्या। ओडिशा के बालासोर में ट्रेन हादसे वाले ट्रैक की मुरम्मत का काम पूरा। हादसे के 51 घंटे बाद ट्रैक पर फिर दौड़ी ट्रेनें। इस दौरान हाथ जोड़कर खड़े दिखाई दिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। हादसे को लेकर भावुक हुए बोले, हमारी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई। मणिपुर में एक बार फिर भड़की हिंसा। कांगचिन जिले में 100 घरों को लगाई आग। कांग्रेस विधायक रंजीत सिंह का भी जलाया मकान। सुरक्षा बलों ने संभाला मोर्चा। 790 हथियार और 10,000 से ज्यादा गोला बारूद किए बरामद। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई की धमकी भरी कॉल रिकॉर्डिंग आई सामने। गूगल नाम वाले बुक्की को दे रहे थे धमकी। पुलिस जांच में 2021 की बताई जा रही कॉल रिकॉर्डिंग। उस वक्त लॉरेंस विश्नोई राजस्थान के अजमेर जेल में था बंद। पंजाब के जलंधर शहर में मंत्री बलकार सिंह के काफिले पर हुआ हमला। गाड़ी चालक के साथ ओवरटेकिंग को लेकर हुआ युवकों का झगड़ा। पुलिस ने इस मामले में तुरंत की कार्रवाई। मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने 4 कार सवारों को किया गिरफ्तार। पंजाब सीएम का स्कॉलरशिप घोटाले में बड़ा एक्शन। एक अधिकारी की पेंशन रोकी, दूसरे को बर्खास्त करने की सिफारिश। कांग्रेस शासनकाल में स्कॉलरशिप घोटाले की जांच के दौरान किए गए थे चार्जशीट। एक बार फिर बदलेगा हरियाणा में मौसम का मिजाज। प्रदेश के कई जिलों में होगी बूंदाबांदी। कल 6 जून की रात से पश्चिमी विक्षोभ देगा दस्तक। देर रात मौसम फिर लेगा करवट। 7 जून को हरियाणा सहित अन्य राज्यों में भी चलेंगी तेज हवाएं। सच कहूं न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सच कहूं हिंदी चैनल।